काली नाग गणोर जी से भय खाता था, कद्रु और विंता ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। एक बार दोनों में शर्त लग गई कि सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो कौन से रंग के हैं। तो विंता ने कहा कि श्वेत रंग के हैं, कद्रु बोली नहीं नहीं काले रंग के हैं, वस्तुतः सफेद घोड़े ही लगे हैं, लेकिन शर्त दोनों में लग गई, कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां हैं। तो चर्चा हुई आपस में, शर्त लगी कि जो कोई पराजित हो जाएगी, जिसकी बात असत्य हो जाएगी, तो वो दासी बन जाएगी, और जिसकी बात सत्य होगी वो स्वामिनी बन जाएगी, और जिसकी बात झूठी निकली उसको उसकी सेवा करनी पड़ेगी दासी बन करके। तो बोले ठीक है। अब जब कद्रु को ये पता लगा कि अरे ये तो वास्तव में तो सफेद ही है, मैं तो पराजित हो जाऊंगी, तो उसने जो है सर्पों से कहा कि जाकर के ऐसी कुछ छाया कर दो जिससे कि वो घोड़े काले दिखने लग जाए। सर्प गए और जब देखा गया तो सर्पों के कारण वो घोड़े श्वेत होते हुए भी काले दिखने लगे। विंता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैं ही गलत थी। अब विंता दासी बन गई और कद्रु जो है वो स्वामिनी बन गई, सेवा करने लग गई। अब विंता सेवा कर रही थी, गणोर जी आए एक दिन और गणोर जी ने देखा कि मेरी माँ तो, गणोर जी जो है वो विंता जी के पुत्र हैं, अरे मेरी माँ जो है वो तो इनकी दासी बनी हुई सेवा कर रही है, क्या बात है माँ। सारी बात सुनी, गणोर जी बोले मैंने कितनी बार सूर्य नारायण के रथ के घोड़ों का दर्शन किया है, वो तो श्वेत है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने सारी बात का पता लगाया तो पता लगा कि इन सर्पों ने धोखे से मेरी माँ को हराया है। गणोर जी ने कहा अब मैं इन सर्पों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि मेरी माँ पराजित हो जाए और उसे दासी बनना पड़े। तो वो गणोर जी सर्पों को खाने लग गए, गणोर जी का तो आहार है सर्प। अब सर्प जाति धीरे धीरे समाप्त होने लग गई, तमाम सर्पों को गणोर जी खा गए। तो एक समय जो है सबने बैठकर मंत्रणा की कि भाई गणोर जी को समझाया जाए कि इस तरह सर्प जाति को समाप्त ना करें, वरना पृथ्वी से सर्प जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गणोर जी ने कहा कि ठीक है, सब कोई कह रहे हैं, ऋषि महात्मा कह रहे हैं, तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मेरे भोजन के लिए इन सर्पों में से कोई ना कोई एक सर्प मेरे पास आएगा, ऐसा नियम बनाओ। बोले ठीक है। तो काली नाग का नंबर आया, बारी बारी जाते थे, काली नाग का नंबर आया तो काली नाग जो है समय पर पहुंचा नहीं, भाग गया। गणोर जी को रोष आ गया कि अरे मेरे साथ छल कर रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो गणोर जी उसके पीछे लग गए और भागते 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 वह काली नाग जो है यही यमुना जी में आ गया, और जिसको काली दह कहते हैं वहां काली दह वाले कुंड में आकर के, गहरा कुंड था, उसमें छुप गया। गणोर जी तो वहां आकर भी पकड़ सकते थे, लेकिन उस कुंड में गणोर जी को श्राप लगा हुआ था, इसलिए गणोर जी वहां नहीं आते थे। अब वो श्राप क्यों लगा था उस कथा में जाएंगे तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। सौभरी ऋषि का श्राप है कि तुम इस कुंड में आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए गणोर जी वहां उस कुंड में नहीं आते। तो गणोर जी से छुप करके काली नाग यहां बैठा हुआ था। अब जब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि हे काली, अब तुम अपने रमणक द्वीप जाओ और यमुना जी को विषमुक्त करो, काली नाग कहने लगा भगवान मैं चला जाऊंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे गणोर जी से भय है, वो मुझे निश्चित खा जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा काली, अब तुम्हें गणोर जी से कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चरणों के चिन्ह तुम्हारे फणों के ऊपर बना दिए। भगवान फणों के ऊपर नाचे क्यों,
क्योंकि उनके चरण चिन्ह गणोर जी के, उनके चरण चिन्ह काली नाग के मस्तक पर बन जाए। तो मैंने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर बना दिए हैं, अंकित कर दिए हैं। अब मेरे चरण चिन्ह अंकित रहेंगे तो तुम्हें गणोर जी से कोई भय नहीं रहेगा। ये कथा यहां सुनाने का प्रयोजन यह है, ये तो प्रसंग कल हो चुका था कि जो प्रभु की शरण में आ जाता है और भगवान के आश्रय में आकर उनका बन जाता है, उसको काल से भी भय नहीं रहता है, उसको गणोर जी से तो क्या, यवराज से भी उसको फिर कोई भय की आवश्यकता नहीं, कोई भय नहीं रह जाएगा जो भगवान का हो गया है।